भाजपा के द्वारा सेवा ही संगठन का ध्येय लेकर काम किया जा रहा है और इसी के चलते हमीरपुर भाजपा की ई बुक का विमोचन किया गया, तो वहीं हमीरपुर जिला भाजपा पूरी तरह डिजिटल हो गई है और इस अभियान के माध्यम से अब जिला भाजपा से लेकर पन्ना प्रमुख तक हर गतिविधि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही भाजपा ने कोरोना संकट के दौरान ई बुक तैयार की है जिसमें 22 मार्च से अब तक सेवा कार्य का उल्लेख किया गया है और यह सारी गतिविधियां आम लोगों तक पहुंचे ताकि वे प्रेरित हो सकें। हमीरपुर में आयोजित ई बुक विमोचन कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर भाजपा प्रभारी अजय राणा, प्रदेश HRTC निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा, APMC चेयरमैन अजय शर्मा मौजूद रहे। वहीं ई बुक विमोचन कार्यक्रम के दौरान पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल ने भी वेबिनार के माध्यम से मौजूद पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला भाजपा प्रभारी अजय राणा ने कहा कि भाजपा ने सेवा ही संगठन के ध्येय के तहत घर घर दस्तक दी है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा पार्टी पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। इस मौके पर अजय राणा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा तथ्यों के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर हमला बोला है, जिस कारण लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष नेता जवाब देने में असमर्थ रहे हैं और उन्हें अभद्र टिप्पणियाँ की हैं जिसकी पार्टी निंदा करती है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आदरणीय धूमल जी और अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हमीरपुर जिला की ई बुक का विमोचन करने का मौका मिला है और हमारे साथ विजय अग्निहोत्री जी और हमारे सभी पदाधिकारी हमारे यहाँ मौजूद हैं। इस दौरान कोरोना के काल में हमीरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन ने और मंडल अध्यक्ष और नीचे तक जो पन्ना प्रमुख थे सब लोगों ने अच्छा कार्य किया है। सेवा कार्य में सेवा ही संगठन, इसके अनुरूप घर घर तक लोगों ने दस्तक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने हर व्यक्ति का ख्याल रखा है। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी डिजिटलाइज हो गया है। पन्ना प्रमुख तक हमारी रीच है, एक क्लिक पे नीचे तक जो भी कार्यक्रम देना चाहे जाएंगे। और मैं एक और बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ के सांसद जिस तरीके से और केंद्र में राज्य वित्त मंत्री अनुराग ने जिस तरीके से कांग्रेस की बखियां और उनकी हकीकत लोकसभा में रखी है, कांग्रेस के पास कोई उत्तर नहीं था। उनके विपक्ष अधीररंजन चौधरी, मैं उनकी निंदा करता हूं, जो उनकी भाषा थी वो अमर्यादित थी क्योंकि उनके तर्कश पे कोई तर्क का कोई तीर नहीं बचा था, इसलिए वो गाली गलौज पे उतरे हैं। राहुल की जो ब्रिगेड थी उन्होंने औंधे मुँह नीचे फेंकी है और भविष्य में भी जो PM रिलीफ फंड के बारे में जिस तरीके से अनुराग जी ने कांग्रेस को नंगा किया है, PM केयर्स फंड का एक एक पाई का हिसाब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच दिया है और भविष्य में भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इनको नंगा किया जाएगा। किसान बिल पर कांग्रेस के हल्ला मचाने पर अजय राणा ने कहा कि हर बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस का मुद्दा उठाया जाता था, लेकिन आज भाजपा द्वारा किसानों के हितों में अगर निर्णय लिया गया है तो कांग्रेस को हो हल्ला कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा लोक हित में विश्वास रखते हुए इसमें काम कर रही है। उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो में वो चीज़ आती रही, तब कहाँ सोए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में कोई बिल लाया है और किसानों के हित की बात की है तो उसमें बरगलाने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस ऐसा विरोध करती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी अच्छे कामों के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। HRTC निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के द्वारा सेवा ही संगठन का ध्येय लेकर काम किया जा रहा है और इसी के चलते हमीरपुर भाजपा की ई बुक विमोचन किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोरोना संकट के दौरान ई बुक तैयार की है जिसमें 22 मार्च से अब तक सेवा कार्य का उल्लेख किया गया है और यह सारी गतिविधियां आम लोगों तक पहुंचे ताकि वे प्रेरित हो सकें। भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर की ई बुक का विमोचन हुआ है और ई बुक क्योंकि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से या कहीं एकत्र नहीं हो सकता था और अलग अलग से गतिविधियाँ चलानी पड़ रही थी, उसमें जब कोरोना के कारण से इस देश में लॉकडाउन हुआ तो
हर क्षेत्र में लॉकडाउन हुआ, इस हमीरपुर जिला में भी हुआ, तो यहाँ जो प्रवासी मजदूर थे, यहाँ के जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति थे, उन सबको रोजी, उन सबको रोटी मिले, उनको कोई कठिनाई ना हो, और जो बीमार है उसको इलाज मिले, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चेष्टा की है कि हर व्यक्ति की सेवा की जाए। और उस सेवा यानी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से लेकर ही केवल सत्ता प्राप्त करना या राजनीति करना ही हमारा ध्येय नहीं है, समग्र समाज का परिवर्तन हो, उसमें सेवा के माध्यम से हम अपने संगठन को आगे ले जाने का काम करते रहे हैं। इस काल में भी हमने किया है, और उस सबको संकलित करते हुए हमने एक ई बुक तैयार की है, जिसमें पीछे 22 मार्च के से लेकर अब तक जो जो हमने सेवा कार्य किए हैं उनको हमने संकलित करने की कोशिश की है, ताकि आम व्यक्ति तक, कार्यकर्ता तक ये गतिविधियां पहुंचे और वो प्रेरित हों, और प्रेरित होकर हम समाज में और लोगों को सेवा में लगा सकें। और भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय भी है कि सेवा ही संगठन है, और सेवा के माध्यम से ही संगठन का काम खड़ा होता है, तो उस विषय पे ही आज ई बुक का विमोचन हुआ है।